So, guys, welcome back to another video with the your favorites on and only Wind Blaster IT. So, guys, आज के लिए बात करने वाले हैं एम के बारे में. भाई बहुत सारे मेरे भाइयों की दिक्कत हो रही है कि एम जो है वो हवा में चला जाता है, फायरिंग करते करते स्क्रीन रोटेट हो जाती है, जायरो ऊपर चला जाता है. इन सब के लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रिक लेके आया हूँ. भाई मजा ही आ जाएगा ये अगर आपने ट्रिक देख ली ना. समझ रहे हो, आपको समझाना पड़ेगा. ये एम फीचर तो आपका गेम फीचर बन जाएगा और क्या जबरदस्त तरीके से यार आप मारोगे ना, मतलब मजा ही आ जाएगा. तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. चलो सेटिंग में चले जाओगे ना, एडवांस सेटिंग दिखेगा इसके अंदर. सबसे नीचे चले जाना है एम फीचर में. एम फीचर इनेबल कर देना, होल्ड पे लगा दे, टैप पे रहेगा ऐसे. आगे समझो सेंसिटिविटी का खेल. सेंसिटिविटी इसकी रखनी है 90 टीपीपी एम, ठीक है, और एफपीपी की भी 90 रख लो. जायरोस्कोप में जाओगे 300 से 350 400 जो आपका मन करे वो रख लो, बट मेरे लिए 300 इज बेस्ट. तो ये फिर ऐसे करके आपको फायर इसका जो बटन है वो सामने दिख जाएगा. क्या करना है, इसको फुल बड़ा कर दो या हल्का सा इतना वो छोड़ो और इसकी लाइट थोड़ी सी कम कर दो, ट्रांसपेरेंट करके इसको सेट, ठीक है. अब क्या आपका सीन क्या है, आपका एम ऊपर चला जाता है, हिल जाता है. अब इसमें आपको जूम अप भी मिलेगा, आपका एम भी नहीं हिलेगा. अब मैं यहाँ पे जूम अप कर रहा हूँ, आपका एम नहीं हिलेगा. बढ़िया फायरिंग करो, ये देखो ये बढ़िया एकदम तरीके से फायरिंग करो, आपका एम भी नहीं हिलेगा. ये जबरदस्त फीचर है एक तरीके से. आपको देखो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ इसको. ये एम फीचर तुम्हारा शिफ्ट किया, ये जिगल भी कर रहा हूँ, एम भी कर रहा हूँ, जिगल भी कर रहा हूँ. एक बार में तीन बंदे घायल, एक दो तीन और ये चार, पूरे चार बंदों को आप एक बार में मार सकते हो. बस ये एम फीचर को आपको अपने जॉयस्टिक के पास लगा देना और स्टार्टिंग में दिक्कत होगी इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रखना और इसे यूज़ करना. ये काफ़ी इफेक्टिव लगा मेरे को, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. और जायरो रोटेशन और एम रोटेशन 360 इन द स्काई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा व्यू मिलेगा. टीपीपी के अलावा ये जो जूम इन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है. एफपीपी स्विच करते हो तो आप अपनी बॉडी को नहीं देख पाते, अपने पर्सनली को पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते, जिससे कि आपको पता नहीं चलता कहाँ से कितनी हिट पड़ रही है. 360 डिग्री आप नहीं घूम पाते, इतना अच्छा रिफ्लेक्स नहीं है और इतनी जल्दी यार कोई क्रिएट में काम किया भी नहीं जाता. और एफपीपी में देखो आपको क्या सीन है कि देखो आपने विजन को नहीं देख सकते, आप एक ही जगह फोकस कर सकते हो, बट इसके अंदर स्विच करके आप देखिए आप अच्छा खासा अपने पे फोकस कर सकते हो और कोई आपको मार रहा होगा तो उसको तुरंत ही आप ग्लिच कर दोगे, छोड़ दोगे और फिर उसके ऊपर एम करके उसको पेल दोगे. समझो गाइस, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फीचर लगा मेरे को. एम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. करना है ये सब मैंने आपको बता दिया है और भी इसके ऊपर इंटरेस्टिंग एडवांस वीडियोस आती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा घंटे बजा देना अपने हिसाब से ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर पप्पो वीडियो पसंद आई हो समझ आएगी, वीडियो चलेगी ना उसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल तक. ले गुड नाइट, टेक केयर एंड शेयर.